गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुषा ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं इफ्तार के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि मैं क्या क्या करती हूँ उस टाइम से। और ये रही मेरी सिस्टर, आज ये थोड़ी सी बीमार है। हाय कर दो गाइस, ये हाय नहीं करी, देखिए क्या कर रही। गले में दर्द हो रहा है गाइस इसके, और मैंने यहाँ पर लगा रखा है मशीन। कपड़े धुल रहे हैं थोड़े से, और थोड़े से मैंने धो दिए हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगा। और आज मैं घी निकालने वाली हूँ, ये देखिए। ठीक है गाइस, तो पहले अभी इसको निकालेंगे। और एक और चीज़ सिखाने वाली हूँ मैं आज आपको, तो वो अभी कपड़े धुलने के बाद सिखाऊंगी। ठीक है गाइस, बस। और गाइस, मैंने इफ्तारी में वही चीज़ें सब खाई हैं जो मैंने कल दिखाई थी आप लोगों को, तो वही खाई है मैंने, और बस और कुछ नहीं खाया। और इसने भी रोज़ा रखा था, और इसकी गले में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो अभी इसको मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी कपड़े धोकर। ठीक है, और कुछ नहीं, बस अभी दिखाऊंगी कि अभी मैं क्या क्या बना रही हूँ, मतलब एक ही चीज़ बनाऊंगी अभी, तो आपको दिखाऊंगी मैं। ठीक है गाइस, मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब मैं बनाने जा रही हूँ घी। ये देखिए घी बनाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। मैं बना रही हूँ देसी घी, प्योर घर का देसी घी। ये देखिए अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, पूरी मलाई मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब ये जैसे ही बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको जो सिखाने वाली थी न्यू रेसिपी, तो वो अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बनाऊँगी स्मूदी, और जब तक ये घी बन जाएगा जब तक आपको मैं सिखा देती हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले जार लेंगे, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे बनाना। मैंने इसमें चार बनाना ऐड कर दिया है, और एक एप्पल ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं चीनी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, 3-4 चम्मच। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिल्क, ठीक है गाइस, और मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्मूदी। Thank you.
तो गाइस ये देखिए स्मूदी बन चुकी है मेरी। अब मैं इसको आपको ग्लास में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, आप इस पे अगर चाहें तो आप इस पे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, मेरे पास है तो भी मैं डालूंगी। ये गाइस मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये रेसिपी, स्मूदी रेसिपी? और यहाँ पे मैं घी भी बना रही हूँ, ये देखिए। ठीक है तो गाइस चलिए इसको टेस्ट करवाते हैं मेरी बहन से, ये यहाँ बैठी हुई है। ये लो टेस्ट करके बताओ स्मूदी कैसी बनी है, जल्दी बताओ। गाइस इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, ये पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रही है। अच्छी है? अच्छा, गले में दर्द है? जल्दी पी लो। तो गाइस आपको कैसी लगी स्मूदी? और बहुत ही आसान है, और बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आप अपने घर में रूह अफ़ज़ा की जगह स्मूदी बनाइए और पीजिए और पिलाइए और घी बनाइए। ठीक है गाइस, और ये देखिए मेरी सिस्टर, ये देखिए गाइस घी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए गाइस, ये देखिए घी बन चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने तक छोड़ दूंगी इसी में, ऑफ कर देंगे फ्लेम। ये देखिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी घी को इसमें निकाल लेंगे स्टील के बर्तन में, और चाय छन्नी की मदद से घी छान लेंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, ये देखिए सारा घी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है घी को, और अब मैं इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो एक बार और छान लूँगी, और ये है ब्राउन खोया। तो गाइस मैं इसको चीनी ऐड करेंगे इसमें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और कल मैं इसका बनाऊँगी समोसे। ठीक है, और मैं कल बनाऊंगी खोए के समोसे, आपको दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, तो गाइस ये है घी का बॉटल। अब मैं इसमें ऐसे छन्नी रख दूंगी चाय की, और घी को अच्छी तरीके से छान लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी छान के। ये देखिए गाइस, इतना सारा घी मैंने निकाला है, और इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। अभी मैंने बताया ना कल समोसे बनाएंगे इसके, और आपको भी दिखाऊंगी। और ये है घी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और बहुत कुछ दिखा दिया मैंने आपको, और स्मूदी भी सिखा दी। और बाय गाइस, और जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वरुषा ब्लॉग्स को। और कल मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।